अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, और कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी अच्छे से। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था 12वें रोज़े को, दोपहर में 12:30 बजे स्टार्ट किया था। तो आज मैं बनाने जा रही थी अरेबियन पुडिंग। बहुत टाइम से मैंने इंस्टा पे और यूट्यूब पे देखा था, बहुत टाइम से मेरा दिल हो रहा था अरेबियन पुडिंग बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि आज बना ही लेती हूँ आज, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो उस वजह से भी केक तो नहीं लाने वाले हम लोग, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ मीठा बना लूँ। तो मैंने अरेबियन पुडिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। 1 लीटर दूध लिया था, उसको गर्म पे रख दिया था, और 2 ब्रेड के पैकेट लिए थे जिसके कॉर्नर्स मैंने कट करके ले लिए थे। और उसके बाद जो है वो दूध गर्म हो रहा था, एक साइड में मैंने 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, उसमें दूध डाल के मिक्स कर लिया था। मेरे दूध को बॉयल आ चुका था, उसमें मैंने कस्टर्ड और शक्कर ऐड कर दी थी। शक्कर अपने हिसाब से आप ले सकते हो, कम ज़्यादा जितनी भी आपको लेना। जब तक मेरा कस्टर्ड का मिल्क रेडी, मैं ऊपर का जो डेकोरेशन का लास्ट आइटम है वो रेडी कर लेती हूँ। मैंने 200 ग्राम क्रीम लिया था, अमूल क्रीम लिया था मैंने 200 ग्राम, अच्छे से पूरा पैकेट ले लेते। और कंडेंस मिल्क जो मिल्कमेड होता है उसका छोटा वाला डिब्बा मंगाया था, जिसमें से मैंने सिर्फ हाफ लिया, यानी ये जो मेरा आपको कप दिख रहा है उसका मैंने हाफ ही कप लिया है। इनफ हो गया था, स्वीटनेस बराबर हो चुकी थी। अगर आप लोग कम स्वीटनेस खाते तो आप और कम भी कर सकते हो। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स करके ले लिया था। मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक जान होना चाहिए। और मैंने टेस्टिंग को मेरे बच्चों को दिया था क्योंकि वो लोग कर सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए थोड़ा सोच समझ के डालिएगा। उसके बाद जो है ट्रे में मैंने ब्रेड सारे लगा दिए थे। ब्रेड लगाने के बाद पहले मैंने कस्टर्ड का जो दूध था मेरा कुक वाला वो पहले ऐड कर दिया था, अच्छे से पूरी जगह स्प्रेड कर दिया था। फिर वापस जो है मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ऊपर लगा लिए थे। ये एक्चुअली मैंने फास्ट फॉरवर्ड में किया है, तो आपको लग रहा है बहुत जल्दी रेसिपी बनती है, बिल्कुल नहीं, ये रेसिपी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट इतना है कि मुझे जल्दी जल्दी वीडियो करना था, इसके लिए मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। तो चलिए फर्स्ट लेयर ब्रेड की, देन कस्टर्ड की, देन वापस ब्रेड की, फिर वापस से कस्टर्ड की लेयर, ऐसे करके 3-4 लेयर हो गए। फिर एंड में जो हमारा क्रीम और मिल्क मेड की जो लेयर है वो हम लोग पूरी तरह से लगा देंगे। अच्छे से पूरी तरह स्प्रेड कर लेना है, बचा हुआ बाद में भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मुझे एक ट्रे में मेरा ब्रेड जो है वो इनफ नहीं हुआ, नहीं बैठा है, तो मुझे दूसरे परात में भी उसको सेट करने के लिए रखना पड़ा था। ये सिर्फ एक ऐसे लाइक डेमो के लिए ये ऐसे दिखा रही हूँ मैं कि ऐसे इसको आपको सेट करना है। इसको अपने मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट से आप लोग गार्निश कर सकते हैं। इसको साइड में रख दिया। अब आ रही है मेरी मेन परत जिसमें मुझे एक्चुअली सेट करना था पूरे ब्रेड वगैरह रख के। मैंने अच्छे से उसको सेट कर लिया था, बिकॉज मुझे आस पड़ोस में भी देना होता है, मुझे प्लेट्स आती है तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना था। तो ये मेरे पास प्लेट थी, उसके उस पर ही मैंने जो है मेरा जो बचे हुए ब्रेड थे उसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। वही पहले ब्रेड की लेयर, फिर उस पर कस्टर्ड डालेंगे, फिर वापस से एक ब्रेड की लेयर लगाएंगे, वापस से कस्टर्ड डालेंगे, और वापस से जो है उसके ऊपर हमारा जो क्रीम और मिल्क मेड का जो मिश्रण है वो हम उस पर डाल देंगे, और एंड में जो है उसको गार्निश करके ले लेंगे काजू बादाम। अगर आपके पास पिस्ता हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, उससे तो और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। बट मेरे पास जो था अवेलेबल काजू बादाम, मैंने उससे ही इसको डेकोरेट करके इसको सेट होने के लिए रख दिया था फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए, और बहुत अच्छा सेट हुआ था माशाल्लाह। और ये चल रही थी मेरी बिरयानी की तैयारी। आज बहुत लेट हो गया एक्चुअली मेरे को, अब मैं बिरयानी की तैयारी करके फिर नमाज को बैठूंगी। गोश्त का मसाला सुबह ही लगा दिया था क्योंकि मैं इसको गला के नहीं लेती हूँ, डायरेक्ट कच्चा मसाले का। और ये थोड़ा सा बच्चे लोग को सालन के साथ में थोड़ा सा राइस चढ़ा रही थी। मेरा मीठा तो बन चुका अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक काम मेरा हट गया है, अब ये बनाऊँगी। फिर कुछ इफ्तारी के लिए भी बनाना है तो इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी करूँगी। बट बिरिस्ता बनते ही मैं बैठूँगी नमाज को, कुरान की तिलावत करूँगी, फिर उसके आगे का जो भी काम होगा वो करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो ब्रेड के कॉर्नर्स मैंने निकाले थे मीठे के लिए, वेस्ट तो नहीं कर सकते, इसके बाद इसके पहले हो गए मेरे हाथ से 2-3 बार वेस्ट, कोई बात नहीं। तो इसका जो है मैं ब्रेड क्रम बना के रखूँगी, कटलेट के लिए कोई भी चीज़ के लिए हमें यूज़ होते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ ब्रेड क्रम्स, एक्चुअली ऑलमोस्ट रेडी, और मेरा आज काम हो ही नहीं रहा है कम्प्लीट, पता नहीं क्या हो गया आज। और अभी होगा असर का टाइम, देखते जितना होता है फास्ट फास्ट कर लेते। चलिए अभी इंशाल्लाह इफ्तारी के टाइम मिलूंगी, अगर उससे पहले कुछ हुआ शूट करना तो वो करूँगी। चलो तो लग चुका था दस्तरखान, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था आज का दिन।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। अभी अरेबियन पुडिंग सब खाएंगे इफ्तारी को, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, हम सब ने मिल के इफ्तारी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। चलिए व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।